कन्वेंशन करने का एक खास मकसद होता है और मैं आम तौर पर करता रहना। इतों सीखने बड़ा कुछ मिलता है। कोशिश होती है कि तुम इतने इतों मुद्दों को माहरां की जबानी सुन के ये अगे लोगों में लेके जाओ, सारे पंजाब में फैल जाए ये सोच, वो फिर नतीजे चंगे आने शुरू हो जाते हैं। असी 3 फरवरी तो इतने एक मोर्चा ला रहे जिदे इन्ने मुद्दे नहीं, इस तो बिना होर भी बहुत सारे जमीन का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे ने। अज चर्चा में भावें वह सारे मुद्दों पर गल नहीं सी हो सकती, पर साडा ध्यान उन्होंने केंद्रित है। जदों मोर्चे च बैठांगे, किसी वेले कोई सरकार नाल गल होएगी तां इस मुद्दे ते सरकार नाल बहस करके उन्होंने हल कराने की कोशिश करांगे। पर दोस्तों मैं समझदा तुसी जो कुछ इतों सुनिया ये तुहाडे भविख लई एक चुनौती है। बहुत ही खतरनाक दौर में असीं पहुंच गए। जिस तरह माणक साहब ने कुछ गल्लां कीतियां, मैं सोच रहा सी भी बदकिस्मती है साडे सूबे की, सगो सारे देश की, लोगों के मुद्दों पर सियासी लोगों की कोई उन्होंने निगाही नहीं, कोई लोगों के मुद्दों पर गल करने तैयार नहीं। एक दूजे को गालां कढ़ना, एक दूजी पार्टी को नीवा दिखाना और उहदे विचों ही वोटां टप्पणियां, ताकत लभणी, इत्थे तक सीमित होकर रह गए। पंजाब जिहड़ा रंगला पंजाब असीं कहा करदे सी, वह कंगला पंजाब बन जा रहा। पंजाब बर्बादी के किनारे अपड़ गया। पंजाब की होंद नूं खतरा है, पंजाबियों की होंद नूं खतरा है। ते साडे पोलिटिकल लीडर एक दूजे नूं गालां कढ़न तों सिवा असली मुद्दों ते गल करन नूं तैयार नहीं। तुसीं सुणिया सर खान सिंह पन्नू होरां ने जिन्नी बारीकी नाल पानी दे मुद्दे नूं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती है। सर हमीर सिंह ने चारे मुद्दों नूं इदां तुहानूं टुंबण की कोशिश कीती है। ते जिस तरह माणक साहब ने फौजियों की बहादुरी की, पंजाबी फौज फौजियों की बहादुरी की गल करके तुहानूं झंझोड़िया भई तुसीं उह जिहड़े देश नूं बचाई बैठे हो। मैं एक बेनती करा यह मोर्चा लाउणा है। मैं इस तों पहलां एक 1 तारीख नूं ऐसे महीने की 1 तारीख नूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी च मैं जिक्र किया क्योंकि SOIL का फैसला वह करने वाले ने। मैं चिट्ठी च शुरू च कहा कि जज साहब पहलां तां पंजाबियों की जिहड़ी मानसिकता उहनूं समझण की कोशिश करियो। पंजाबी वह लोग ने जिन्हां ने देश की आजादी च सब तो वध फांसियां दे रस्से चुंगे। पंजाबी वह लोग ने जिन्हां ने सब तो वध काले पाणी दीआं सजावां कट्टियां। पंजाबियों की 10 लाख लाशों के उत्ते इस देश की आजादी खड़ी है, जिन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड समय जिहड़ा एक कतलेआम होया। असल में आजादी की कीमत पंजाब ने तारी है या बंगाल ने तारी है, होर किसी सूबे को सेक के नहीं लग्या। ये वो पंजाबी ने जदों भी देश को लोड़ पई मोहरी होकर देश लई खड़े। मैं जिक्र किया भी बाहर की लड़ाई चीन, पहन की लड़ाई 67 की लड़ाई, 71 की लड़ाई पंजाबी मोहरे होकर लड़े। बाहर में पंडित नेहरू ने चीन की लड़ाई तो बाद एक सद्दा दिता कि देश को इतना सरमाया नहीं, नैशनल डिफेंस फंड बनाना है। देश में 18 किलो सोना कट्ठा होया, पंजाबियों ने 7 क्विंटल 80 किलो सोना दिता। नेशनल डिफेंस फंड कट्ठा होया 98% फिर पंजाबियों का सी, 2% बाकी देश के सूबे का सी। वो पंजाबी जिन्होंने तुम बंगाल
सुना रहा कि देश भुखमरी है, भुखमरी दूर करने वास्ते हरेक इनकलाब की शुरुआत तुहानों की गई। तुसी तिना सालों में देश में फूड सरप्लस कर दिता। वो पंजाबी जिन्होंने हर वेले अपने खून नाल देश में सिंजिया, उन्हां दी मानसिकता नूं समझो। जदों पंजाबियों नूं कुछ देण दी गल आउंदी है तां पंजाबियों ते हरेक ने नस्कर लाया। मैं इदां दी चिट्ठी लिखी है जो तुहानूं शब्द वरत रहे। मैं उन्हां नूं कहा वी पाणी इक अहम जरूरत होंगी है जिंदगी जीवन लई। जदों देश आजाद होया, आजादी तो पहला तो अंग्रेज ने जिहड़ा देश का पानी देता से गुलाम से राजस्थान नूं दे दिता। उसके बाद जिन्ने पानियां दे समझौते होए वह सारे गैर संविधानक होए। साडे संविधान विच स्टेट लिस्ट ते 17 नंबर ते दर्जा पानी, इहदा मतलब यह राज्यां दा विषय है, केंद्र इहदे दखल नहीं दे सकता। दो ही तरीके है, जे तां कोई राइबेरियन स्टेट होवे तां साडे दरियावां चों पानी लै सकदी है। पंजाब तों बिना साडे दरियावां दी कोई राइबेरियन स्टेट नहीं। जे कोई इंटरस्टेट रिवर होवे, पंजाब तों हरियाणे नूं वगदा होवे, राजस्थान नूं वगदा होवे, फिर उहनां दा हिस्सा बन सकदा है। साडे तिन्ने दरिया इंटरस्टेट रिवर वी है ने। इहदा मतलब इह है कि साडे इहनां दरियावां दी मालकी पंजाब दे लोकां दी है। पंजाब दे लोकां तों इहदा पाणी ना सुप्रीम कोर्ट खोह सकदी है, ना भारत सरकार खोह सकदी है, पर खोया गया। तुहानूं याद होएगा आपां 5 अगस्त नूं मेमोरेंडम दो दित्ते सी, इक पंजाब सरकार नूं, इक केंद्र सरकार नूं। केंद्र सरकार नूं जिहड़ा मेमोरेंडम दित्ता सी उहदे च पहली लाइन इह सी वी सानूं दस्सिया जाए कि की इस देश विच सरकार संविधान अनुसार चल रही है कि सियासी कपड़ेबाजी नाल। जे संविधान अनुसार चलती है फिर तां पाणी साडा है, तुसी दखल नहीं दे सकते। पर क्योंकि तुसी पाणी खोना सी, इहदे लई हर वारी कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचिया ते कोई ना कोई समझौता, कोई ट्रिब्यूनल बनाता। 1878-1880 देश के बहुत सारे सूबे जिहड़े ने उन्हां दा पुनर्गठन होया। किसे सूबे दे पुनर्गठन दे कानून विच पानी दे दखल देण वास्ते 1878-1880 वर्गियां धाराएं नहीं पाईआं गईआं, सिर्फ पंजाब च पाईआं गईआं। पंजाब तों पानी खोणा सी इस लई इहदे च पाईआं गईआं। ते जदों पंजाब ने इहदा विरोध कीता सुप्रीम कोर्ट कोल, तां उस वेले दी प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती दरबारा सिंह कोलों केस वापस करवा दिता। मैं उन्हां नूं कहा कि जज साहब, लोग सुप्रीम कोर्ट दे जजां तों इंसाफ दी आस रखदे ने। लोग इह आस रखदे ने कि जिहड़े जज ने किसे दे बायस ना होण, उहनां दे विच ईगो प्रॉब्लम नहीं चाहीदी। पर मैनूं लगदा है कि तुहाडे जजां दे दिमाग विच प्रॉब्लम है। तुसीं कह बैठे एस वाई एल कढ़नी है ते एस वाई एल हर वारी करी जांदे हो। पहला ये तो देखो कि साडे कोल पानी है भी या किसी का कोई बनता भी है। सर रणवीर सिंह ने जिदा गल कही बिल्कुल असलियत यह सी, साडी जिहड़ी भी सरकार सी समय दी, जदों भी पानी दे उत्ते गल होई तां उस वेले इहनूं पैर अड़ा के कहना चाहीदा सी, पानी दे मालक असीं आ, साडी मर्जी होएगी पानी देंगे, मर्जी होएगी असी नहीं देंगे, कहना चाहिए सी। पर किसी ने नहीं कहा, स्टैंड लिया ही नहीं। हर एक ने अपनी कुर्सी बचाने लई, अपनी राजनीति नूं चालू रखने लई पंजाब दे पानियों की कुरबानी दे दी, पंजाब दे हकां की हर बारी कुरबानी दे दी। यही गल साडे तिन्ने माहर सिद्ध करने की कोशिश करते रहे, अपनी सारी जो कुछ तुहाडे सामने पेशकारी कीती उहदे विच इहनां ने तुहानूं इह समझाउण दी कोशिश कीती है तुहाडे नाल धोखा कित्थे कित्थे होया। पंजाब च राजधानी है पंजाब दे चंडीगढ़, जदों पंजाब हरियाणा बने उदों इक फैसला सी वी हरियाणा 5 सालां च फैसला करेगा उह किहड़ी जगह अपनी राजधानी बनाउणा चाहुंदा है। उहदे लई 1,000 करोड़ रुपया केंद्र ने कहा सी केंद्र देगा। हरियाणा अज तक फैसला नहीं करके दस सकिया उन्हें राजधानी कितने बनानी है, साडी राजधानी जो हिस्सा मंगता है।
और अफसोस यह है भी केंद्र वाले उन्होंने इतों हर सहूलत हर हिस्सा देने तैयार ने। जिस तरह माणिक साहब ने दसिया भी भाखड़ा डैम बनने वेले पांच पिंड जिहड़े पंजाब दे सी ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਹ ਪੰਜਪੂਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ, IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 320 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਬਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਹਿਆਂ ਚ। ਉਹ 320 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ